अच्छा बना दीजिए, ये को लगा दीजिए उसमें। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, माशाल्लाह। दुनिया दोस्तों, मैं इसीलिए जो है खास तौर से ये शेर जो कुरान से मुताल्लिक है मैं पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात बहुत समाज फरमाएं। फिर अब और दीगर उलमा किराम जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत शेर है, पेश कर समाज फरमाए। आंखें भी होंगी रोशन, एक मरतबा इस शेर से पहले आप सभी हजरात बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी सूरह-ए-रहमान पढ़ के
आजकल हम लोग दिली सुकून के लिए, कल्बे सुकून के लिए अखबारों का मुताला करते हैं, फोन में मसरूफ रहते हैं। लेकिन मेरा एक पैगाम है कि अगर आप दिली सुकून चाहते हैं, कल्बे सुकून चाहते हैं, तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह इसके जरिए से आपको कल्बे सुकून हासिल होगा। शेर समाज फरमाए मुफ्ती साहब, कुरान सीखना भी सिखाना भी सवाब है, कुरान सीखना भी सिखाना भी सवाब है, कुरान की बातें बताना भी सवाब है। जिस शख्स का भी खिदमत कुरान काम है, उसके वास्ते जन्नत का आला मकाम है। अगर चाहते हैं तो जोर से कहिए इंशाअल्लाह। आइए दो शेर और पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाए साथ हो इंशाअल्लाह। अरे बाप, उठा दे पसलवार, उठा 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 दिया आपने। देखिए ये बच्चा जो है बहुत ही बेदार है, और इन्होंने अपने बेदारी का सबूत सबसे पहले पेश किया। काश आप हजरात भी इसी तरीके से अपने बेदारी का सबूत दें। तो शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाए विशाल हो। मुझको आका की दीदी हो जाए, मुझको आका की दीदी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझको Oh, no!
رات باقی۔